सुन, मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार, रास्ता भी कट जाएगा और तेरा मन भी बहलेगा। सुन, स्टोरी टेलिंग एक ऐसा एंशियंट आर्ट जिसका उपयोग सदियों से लोगों को एजुकेट, एंटरटेन और इंस्पायर करने के लिए किया जा रहा है। और ये एक ऐसी स्किल है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआती दिनों से ही स्टोरी टेलिंग इंसानों के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होने का मीडियम बना हुआ है। नानी की कहानियां, लेजेंड सुपर हीरोज की स्टोरीज एंड इवन हमारे रिलीजियस बुक्स, ये सब अगर हम एक बार पढ़ लेना तो हमें लाइफ टाइम याद रहेगा। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ स्टोरी। अब चाहे दुनिया कितनी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया अभी भी एक बेसिक से प्रिंसिपल पे चल रही है, एंड वो है स्टोरी। मूवीज आपको क्या बेच रही है? स्टोरीज, ना कि टिकट्स। ब्रांड्स आपको क्या बेच रहे हैं? स्टोरीज, नॉट प्रोडक्ट्स। अच्छे यूट्यूबर्स की वीडियोस आप क्यों देखते हो? स्टोरी, ना कि इन्फॉर्मेशन। अब क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और बिजनेसेस के लिए तो स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपकी भी डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी इंप्रूव हो सकती है अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है। तो इसलिए आपको बहुत ही आसान शब्दों में अब मैं स्टोरी टेलिंग सिखाऊंगा, एंड वो भी सिर्फ 8 मिनट में। देखो, एक बात को बताने के दो तरीके होते हैं, एंड दूसरे वाला तरीका सिर्फ 1% लोग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ। रिसेंटली मैं मुंबई गया था बीच वाला फोटोशूट करने, लेकिन वहाँ जब हम फोटोशूट की लोकेशन पर पहुँचे तो वहाँ पे सनराइज अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा था, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इस वजह से हमारा पूरा फोटोशूट हो ही नहीं पाया। ये था नॉर्मल तरीका जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं किसी बात को बताने के लिए। अब इससे आपको बात तो पता लग गई, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। इसमें अगर थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग का तड़का डाल दिया जाए तो यही बात कुछ ऐसे बताई जा सकती है। फोटोशूट ऑन बाइक, फोटोशूट ऑन कार, फोटोशूट ऑन माउंटेन्स, फोटोशूट ऑन रोड, ये सब जगह फोटोशूट करने के बाद एक ही जगह बची हुई थी, फोटोशूट ऑन बीच। बट चंडीगढ़ में तो बीच है ही नहीं, इसीलिए मैंने अपना बैग पैक किया, टिकट्स बुक किए एंड पहुंच गया मुंबई ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़। मुंबई आकर सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी वो थी गर्मी, और मैं बेवकूफ सारे विंटर के जैकेट और हुडीज लाया था फोटोशूट करने के लिए। फिर जैसे तैसे मैं एक हाफ शर्ट पहनकर सुबह सुबह 5 बजे निकल लिया अपने रूम से जुहू बीच के लिए, जहाँ पर हम सनराइज वाला फोटोशूट करने वाले थे। अब मैं और मेरे सारे दोस्त यहाँ पर आ गए और यहाँ बैठ के हम 1 घंटे से सामने समंदर को देखते हुए वेट ही कर रहे थे सनराइज का, लेकिन तभी हमारी नज़र पड़ी पीछे और सनराइज पीछे से हो रहा था। सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। काश मैंने गूगल पे पहले ही चेक कर लिया होता कि यार सनराइज़ किस डायरेक्शन से होता है समंदर में, एटलीस्ट 5 बजे सुबह उठ के अपनी नींद तो ना खराब करनी पड़ती। खैर, हमारा फोटोशूट तो नहीं हुआ, लेकिन हमने बहुत वाटर वाली एक्टिविटीज़ करी और फुल एंजॉय किया। ये धूम मचाले वाली वाटर बाइक भी चलाई और बीच समंदर में ये चरखी, ओहो भाई साहब मज़ा ही आ गया था। अब आप खुद ही देखो ये सेकेंड तरीका आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक स्टोरी है, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक इमोशन है। स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी सुनाना, लेकिन कहानी सुनाना सिर्फ एक अच्छी कहानी के बारे में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी भी कहानी को कितने अच्छे से सुनाते हो। एक अच्छी स्टोरी में 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। स्टोरी इमोशनल होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए और मेमोरेबल होनी चाहिए। अब स्टोरी तो समझ आ गया, लेकिन टेलिंग सीखते हैं। देखो, हर चीज़ की तरह स्टोरी का भी एक स्ट्रक्चर होता है। स्टोरी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, अप्स एंड डाउन स्टोरी में होते हैं, एंड वही स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो चलिए स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको सिखाता हूँ। तो देखो, स्टोरी के स्ट्रक्चर में बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं। अब देखो, कोई भी बात को बताने से पहले आपको अपना सीन सेटअप करना है, बिल्डअप करना है बाय गिविंग ए बैक स्टोरी और थोड़ा सा हिस्ट्री, जैसे मैंने किया। मुंबई फोटोशूट जाने से पहले मैंने आपको ये बताया कि मैं मुंबई में फोटोशूट करने क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हर टाइप की लोकेशन पे मैं ऑलरेडी शूट कर चुका था एंड अब बीच ही बचा हुआ था, एंड चंडीगढ़ में बीच नहीं है तो इसलिए मेरे को मुंबई जाना पड़ा। तो ये बैक स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इसे कनेक्ट करें। स्टोरी स्टार्ट करने के बाद आपको डिटेल्स पर ध्यान देना है, हर वो छोटी छोटी चीज़ जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। जैसे मैंने बताया, बैग पैक किया, फिर मैंने टिकट बुक करी, फिर विंडो सीट मिली या नहीं मिली, ये सब चीज़ आपको बतानी है ताकि आपकी स्टोरी और रियल लग सके। डायरेक्टली ऐसे मत कर देना कि मैं मुंबई जा रहा हूँ गाइज और मैं मुंबई पहुँच गया हूँ गाइज, बीच में क्या हुआ वो बताना बहुत ज़रूरी है स्टोरी को एंगेजिंग बनाने के लिए, क्योंकि मुंबई तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन आप मुंबई कैसे गए, बीच में क्या क्या हुआ, यही सब तो जानना है व्यूअर्स को। किसी भी कहानी में एक चैलेंज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता था पहले कि एक हीरो है जो कि बहुत गरीब है, बेचारा मैकेनिक है, उसको एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हो गया एंड अब उस बिजनेसमैन ने बोल रखा कि भाई ये ले अटैची, इसमें 10 लाख रुपए भर के दे, जब तू इतना कमा लेगा तब तू मेरी बेटी से शादी कर सकता है। अब इस स्टोरी में चैलेंज ये है कि भाई जो ये हीरो है बिल्कुल गरीब सा बेचारा, ये 10 लाख रुपए कैसे कमाएगा, क्या ये कमा पाएगा या नहीं, एंड यही वो चीज़ है जो ऑडियंस को इस स्टोरी में बांध के रखेगी।
लोगों को यही देखना कि अपना हीरो कैसे पैसे कमा रहा है और कैसे वो 10 लाख रुपये पूरे कर पा रहा है, कैसे इस चैलेंज को वो ओवरकम करेगा। सिमिलरली आपकी स्टोरी में भी एक चैलेंज होना ही चाहिए। जैसे मेरी स्टोरी में आपने देखा कि मैंने बताया कि मैं मुंबई पहुंचा और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और मैं ऑलरेडी सारे सर्दियों वाले कपड़े, विंटर्स के जैकेट्स और हुडीज लेके गया हुआ था, मेरे पास शूट के लिए कोई भी गर्मी वाले कपड़े नहीं थे। तो ये यहाँ पर एक चैलेंज था, लोगों को ये देखना था कि अब देखते हैं कैसे फोटो शूट करता है। एंड इसी चैलेंज से मैंने लोगों को अपनी स्टोरी में अट्रैक्ट कर लिया। अब चैलेंज दिखाने के बाद आपको ये दिखाना है कि आपने इस चैलेंज को कैसे पूरा किया। जस्ट लाइक मैं 5 बजे उठकर जुहू बीच चला गया और मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, फिर हमने वहाँ पर सनसेट का वेट किया। ये एक पूरी स्टोरी है, पूरा प्लॉट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, प्लॉट के बाद कुछ ग्रेट स्टोरीज में एक और चीज़ होती है, प्लॉट ट्विस्ट। जैसे मेरी कहानी में ये था कि हमें पता नहीं था कि सनराइज़ कहाँ से होने वाला है, मतलब सनराइज़ सामने से होगा या बैक साइड से होगा, हमें ये पता ही नहीं था और इस चक्कर में हमारा फोटोशूट ही नहीं हो पाया। ये चीज़ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। कोई बंदा इतनी दूर से फोटोशूट करने जा रहा है मुंबई तो वो शूट तो करके आएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अलग सा ही प्लॉट ट्विस्ट है और लोगों ने इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब ये तो हमारे साथ नेचुरली स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया, मतलब हमारी गलती की वजह से, पर कुछ कहानी ऐसी होती है कि जहाँ पर ट्विस्ट नहीं होता है तो आपकी कहानी बिना प्लॉट ट्विस्ट के भी सही हो सकती है। एंड कुछ जगह पर लोग फेक प्लॉट ट्विस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाना है तो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्टोरी में मतलब ट्विस्ट हो, कुछ स्टोरी सिंपल एंड स्वीट ही अच्छी लगती है, बट अगर आपकी स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट है तो आपकी स्टोरी थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। एट द लास्ट ऑफ योर स्टोरी आता है आपका कंक्लूजन, मतलब इस कहानी से कि आपको क्या सीखने को मिला, क्या इम्पैक्ट आपके ऑडियंस पे पड़ा, ये पार्ट इसमें आता है। जैसे अपने हीरो ने जब मान लो 10 लाख रुपये कमा के बिजनेसमैन के मुँह पर मार दिए और उसकी फिर शादी हो गई अपनी हीरोइन से, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सिमिलरली आपकी स्टोरी में भी एक कंक्लूजन होना ही चाहिए। जैसे मेरी स्टोरी में ये मैसेज था लास्ट में कि मतलब जब भी नेक्स्ट टाइम आप कहीं शूट पर जाओ तो एक बार गूगल पे पहले टाइमिंग चेक कर लो, सनराइज की डायरेक्शन चेक कर लो और फिर ही शूट पे जाओ, वरना आपको पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो ये मेरी स्टोरी का कंक्लूजन था। इस तरीके से आपकी कहानी का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है एंड जो भी आप स्टोरीज देखते हो उन सब में ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। मैक्सिमम टाइम्स जो भी आप मूवीज़ देखते हो, एडवर्टीजमेंट देखते हो, स्टोरीज़ देखते हो या किसी बड़े यूट्यूब क्रिएटर की वीडियो देखते हो, उन सब में इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर के बेस पे स्टोरी को फॉर्म किया जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई मूवी या फिर किसी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो तो ट्राई करो आप उसको खुद से ऐसे एनालाइज करो और उसमें डिटेक्ट करो कि कहाँ पर ये स्टोरी का कौन सा एलिमेंट है, उसके स्ट्रक्चर को ऐसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, जैसे कि कहाँ पर प्लॉट है उसका, कहाँ पर उसका कंक्लूजन है, कहाँ पर उसका चैलेंज है, कैसे उसको चैलेंज को पार किया गया, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करो। और हाँ, खुद से पूछो कि तुम्हें ये वीडियो क्यों अच्छी लगी, क्या इसमें ऐसा स्टोरी में चेंजेस किए गए कि आपको ये वीडियो बाकी वीडियो से भी अच्छा लगा, इसमें क्या चैलेंज है, क्या इसका प्लॉट ट्विस्ट है, क्या इसका कंक्लूजन है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर लगी। इस तरीके से आप थोड़ा सा और सीख सकते हो स्टोरी टेलिंग के बारे में। वैसे अगर आपको और ज़्यादा स्टोरी टेलिंग सीखनी ही है तो एक आपको प्रो टिप देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ को देखो, मूवीज़ देखो, व्लॉग्स देखो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, ट्रैवल फिल्म्स देखो या फिर किसी यूट्यूबर की वीडियो देखो, लेकिन जिसमें स्टोरी है वो चीज़ ज़्यादा देखो और समझो कि जिस क्रिएटर की आप वीडियो देख रहे हो उसने कैसे स्टोरी टेलिंग की है। ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करने में। वैसे अगर मैं आपको अपना एक फेवरेट क्रिएटर बताऊँ जहाँ से कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग सीखी है, उनका नाम है केसी नेस्टेड। मतलब इंग्लिश में वीडियोज बनाते हैं लेकिन जिस तरीके से वो स्टोरी में एक स्ट्रक्चर रखते हैं ना, वो बहुत सीखने वाली चीज़ है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो उनके व्लॉग्स देखने में तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। वैसे स्टोरी टेलिंग के अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो ये, अच्छी स्टोरीज का स्ट्रक्चर जो है वो ऑडियंस पकड़ ही नहीं पाती, बस स्टोरी अपने फ्लो में चलती जाती है एंड ऑडियंस भी उस फ्लो में बहते जाते हैं, लेकिन किसको पता ही नहीं लगता कि स्टोरी कहाँ पर क्या चेंज कर रही है, कौन सा इसका स्ट्रक्चर है। एंड ये होता है कुछ अच्छी एडिटिंग ट्रिक से। एडिटिंग में आपकी स्टोरी के कट्स को कुछ ऐसे अरेंज किया जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ पे इसमें कट यूज़ किया गया है। अगर सीखना चाहते हो एडिटिंग की वो सीक्रेट कटिंग ट्रिक तो कमेंट्स में हल्ला मचा दो भाई, मैं आपको ज़रूर उसे सिखाऊंगा अगर बहुत सारे लोग डिमांड करेंगे तो। बाकी अगर आपके पास अगर कैमरा नहीं है एंड स्टोरी टेलिंग आपने अभी सीख ही ली है एंड अपनी स्टोरी को आप शूट करना चाहते हो जस्ट अपने फ़ोन से ही, तो ये वाली वीडियो देख लो भाई, बहुत ही डिटेल में समझाया आपको, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। डू चेक आउट मैन।